एक लेडी मल्टी ऑलराउंडर होती है, घर के काम, बाहर के काम, हस्बैंड, बच्चे और सारे काम संभालना पड़ता है। हर एक औरत को मल्टीटास्किंग ऑलराउंडर होना ही पड़ता है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं आप लोग? आज है संडे और मैं नहा ली हूँ, रेडी हो चुकी हूँ और पूजा हो चुका है। देखिए मैं पूजा कर चुकी हूँ और मेरे हस्बैंड ड्यूटी जा चुके हैं। आज संडे है तो उनका ड्यूटी लगा है, बिकॉज़ आज बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है तो उनका ड्यूटी लगा हुआ है आज। हेलो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है संडे, आज है संडे और लाडो जग चुकी है। अभी बज रहे हैं 9 o'clock। लाडो 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 अभी जगी है, तो अब लाडो दूध पिएगी, उसके बाद मालिश करूंगी। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो ये है मेरा चाय और बिस्किट। हेलो गाइस, हेलो गाइस, लाडो का मसाज हो चुका है और लाडो को मैंने स्वेटर डाल दिया है क्योंकि आज बारिश हो रही है यहाँ पे। तो लाडो हाय, अब लाडो सोएगी थोड़ी देर में, तो देखते हैं कब सोती है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। क्या हुआ? चलो आओ टहल दे, चलो फाइनली लाडो सो गई है तो मैं जाऊंगी। लाडो सो गई है तो मैं नाश्ता करूंगी और 11:30 बज चुके हैं, उसके बाद में कुछ काम करूंगी। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। हेलो गाइस, हेलो गाइस, अभी बज चुके हैं 12 और मैंने खाना बना लिया है और अभी सारा काम बाकी है। अभी आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या करना है। अभी मैंने चावल चढ़ाया हुआ है मिक्स वेज, क्योंकि टाइम नहीं था मुझे ज़्यादा कुछ बनाने के लिए। और ये चिप्स वगैरह मैंने फ्राई कर लिए हैं और किचन भी अभी साफ़ करना है, लाडू का बोतल भी अभी धोना है और बर्तन भी साफ करना है। और रूम की हालत आप लोग देख सकते हैं, रूम मैसी पड़ा हुआ है तो इसे भी मुझे क्लीन करना है। बस अभी सोई है, जब तक जितना काम हो जाए बस उतना ही कर पाऊँगी। और मेरे हस्बैंड भी आज नहीं है तो संडे है, रहते तो बहुत सारा काम हो जाता है। और आज हम लोग का घूमने का प्लान था बट उनका आज ड्यूटी लग गया है तो वो चले गए हैं, आज हम लोग कहीं नहीं जा पाएंगे। तो और एक लेडी मल्टी ऑलराउंडर होती है, घर के काम, बाहर के काम, हस्बैंड, बच्चे और सारे काम संभालना पड़ता है। हर एक औरत को मल्टीटास्किंग ऑलराउंडर होना ही पड़ता है, अगर वो नहीं भी है तो हो जाती है। टाइम टू टाइम उन्हें सब कुछ आ जाता है, सीख जाती है। तो का घोड़ा आ गया है, लाडो देखो गिरल जा घोड़ा। पकड़ो पकड़ो लाडो, पकड़ो, चलो टिक टिक घोड़ा, टिक टिक गिर जाएगी।
बोलो, इसमें बोलो, लाडो बोलो, बोलो हाय लाडो। हेलो गाइस, हेलो गाइस, अभी बज रहे हैं 4 और मैं अपनी हेयर में और वेटालिटी ऑफ हेयर यही मैं यूज़ करती हूँ। और पर्सनली मुझे ये ऑयल बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, इससे मेरे हेयर फॉल भी कंट्रोल हुए हैं और रीग्रोथ भी होने लगे हैं। मेरे हेयर फॉल हुए थे जो, तो आप देख सकते हैं बेबी हेयर आ गए हैं छोटे छोटे ये मेरे, और यहाँ के बाल मेरे पूरी तरह से झड़ चुके थे यहाँ इस साइड, तो छोटे छोटे अभी बाल आ चुके हैं और इसी ऑयल की वजह से। पर्सनली मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा इसे, आप कभी भी यूज कर सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। ऑयलिंग कर ली पूरे बालों में और अच्छे से ऑयलिंग कर ली मैंने, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद हाउसवाइफ की काम कभी ख़त्म ही नहीं होती, हाउसवाइफ का काम कभी ख़त्म ही नहीं होता है, घर का काम मानो ख़त्म ही नहीं होने का नाम ही नहीं लेता है। तो अभी मुझे बनानी है लिस्ट वो ग्रोसरी आइटम का, मंथली ग्रोसरी आइटम, क्योंकि एंड ऑफ मंथ आ चुका है तो मुझे लिस्ट तैयार करना है। तो चलते हैं लिस्ट बनाने। लिस्ट तैयार हो चुका है और इतना जगह खाली है इसलिए कि हमें याद नहीं आ रहा है, जब याद आएगा मैं लिखूंगी।